डोंट टेल मी प्लीज, मैं ये सब एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। हाँ, सच है। आप पागल हो गए हैं मिस्टर चांद। प्लीज रिलैक्स। ये सब यहाँ क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं उसे टॉलरेट नहीं कर सकती मिस्टर जान, प्लीज। नैरन, तुम प्लीज शांत हो जाओ। ओके मिस्टर जान, तो यहाँ नहीं थे पर आप तो थे। आप जानते हैं वो औरत कैसी है। उसके लिए मुझे एक साल तक थेरेपी लेना पड़ा। क्या आपको इस बात का थोड़ा सा भी अंदाजा है मिस्टर एमरे? मैं मानती हूँ कि वो आपकी एक्स फियांसे रह चुकी है, लेकिन मुझे आपका दिल नहीं तोड़ना। ये ऑफिस है और यहाँ प्रोफेशनल काम होता है। कम ऑन, 3 महीने की बात है यार, क्यों कर रही हो? 3 महीने? वो 1/4 ऑफ द ईयर होता है मिस्टर चांद। ये मेरे भाई का फैसला था, मैं उसमें कुछ नहीं कह पाता, तो प्लीज मुझे इस सब में मत घसीटो, ठीक है? मैं चलता हूँ। एमरे, एक मिनट, जरा हैंडल करो ना। सॉरी भाई, पर मुझसे सब नहीं हो पाएगा, मैं ये सब रोना धोना नहीं चल सकता। गुड बाय, बाद में मिलता हूँ। कॉफी? You want to have coffee? थोड़ा अच्छा फील होगा। ठीक है, सच में यू रियली टेंस, प्लीज हैव इट। तुम्हारा स्ट्रेस थोड़ा रिलीज हो जाएगा, प्लीज। क्या फर्क पड़ेगा, 3 महीने तक सिर्फ कॉफी पीऊंगी। नहीं, एक काम कीजिए, मुझे सिर्फ कॉफी पिला पिला के मार डालिए, मैं घर जा रही हूँ। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है मिस्टर जान, आपने गलत किया है। हेलो आइलिन। थैंक यू एमरे। आइलिन, क्या कर रही हो तुम यहाँ पर, क्यों आई हो, बताओगी मुझे? तुम मुझसे प्यार करते हो एमरे, कोई भी मुश्किल आए तो तुमसे पहले उसे मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा, ये बात तो पक्की है। और हमारे रिलेशनशिप के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे पीठ पीछे कुछ भी ऐसा काम मत करना, लेकिन किसी की बात ना सुनना, ये तो तुम्हारी बहुत पुरानी आदत है ना? तुमने कहा तो था ना, मैंने जो किया उसका आउटकम बुरा तो नहीं था। मैंने कुछ प्लान नहीं किया था, ये सब कुछ ऑल ऑफ अ सडन हुआ और मैंने एक्सेप्ट कर लिया। आई केयर फॉर यू एंड माई सेल्फ। आइलिन, मेरे भाई और इस कंपनी को कुछ किया तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है? मैं क्या करूंगी एमरे, मैंने तो तुम्हें बिजनेस ला कर दिया है। तुम्हारे, हमारे कस्टमर सब लोग खुश हैं इस डील से। और प्लस अगर मैं यहाँ रहूंगी तो सनम को एग्जामिन करने के लिए ज्यादा टाइम मिल जाएगा। सनम और जॉन को अलग करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। बस कुछ दिन दे दो एमरे, फिर देखना इनकी लव स्टोरी को कैसे फुल स्टॉप लगाती हूँ। बस मुझ पर भरोसा रखो। पता नहीं, मैं भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ तुम पर। कहीं ये सब कुछ तुम्हारा कोई नया प्लान तो नहीं? देयर इज नो प्लान एमरे, अगर वो सीक्रेट रिवील हुआ तो मुझे भी उतना ही डैमेज होगा जितना तुम्हें। एटलीस्ट अभी के लिए हम लोग साथ हो जाएं तो सनम पर नजर रखकर सब कुछ ठीक कर सकते हैं, ट्रस्ट मी। और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि खुश होने के बजाय तो गुस्सा क्यों हो रहे हो। पता नहीं, मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूं एमरे। वो हमारा सीक्रेट था, हम साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। मुझे पता है हमारे बीच थोड़ी दूरियां आ गई हैं एमरे। चलो मैं चलता हूँ, अगर किसी ने हमें देख लिया तो खामोखा में परेशानी खड़ी हो जाएगी और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। तुम्हें अभी भी इन बातों की परवाह है? छोड़ो ना एमरे, ट्रस्ट मी, एवरीथिंग विल बी ओके। ठीक है, इस बारे में हम कल बात करेंगे, अभी मुझे जाना होगा। हेलो, आप सही थे, मुझे राइटर बनना है, मुझे सच में बनना है, पर मुझ में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। अगर तुम राइटर बनोगी तो बहुत सक्सेसफुल होगी, मैंने तो कहा ही था। आप यहाँ देखकर क्यों नहीं बात कर रहे? क्यों, क्या हुआ, बोलो। नहीं, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा। दूर अच्छा नहीं लग रहा? ओके, अब ठीक है? नहीं,
हाँ, मेरे ख्याल से इतना क्लोज ठीक रहेगा। तो तुम्हें किस टाइप की रिलेशन चाहिए थी? फ्रेंडशिप बिटवीन अ बॉस एंड एन एम्प्लॉय, कुछ ऐसा ही ना? पर ज्यादा कुछ दूर भी नहीं और ज्यादा पास भी नहीं। हाँ, पर मैं तुम्हें अट्रैक्टिव नहीं लगता तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अगर मैंने अभी किस किया तो मुझे करने दोगी? सनमाइदीन, वॉर स्टार्ट मत करो, हार जाओगी। ओ शिट, तो ये आपकी चाल थी? ओह सनम, ओह, और तूने कैसे बिलीव कर लिया? हाँ, क्या वॉर है? ब्रावो ब्रावो। आप मेरे फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं ना, और मुझे लगता है कि आप ही जीत जाएंगे। मिस आइलिन, आपने मुझे बुलाया? हाँ, तुम इन फाइल्स को रेट के हिसाब से अरेंज कर दोगी प्लीज? क्या हुआ? आई बिलीव तुम्हारा दिमाग रूम को इंस्पेक्ट करने में बिजी है। हाँ, इंस्पेक्ट तो कर रही थी कि ये रूम कितना छोटा और बोरिंग है, बहुत डल और बहुत खराब भी है। तो क्या कह रही थी आप? वैसे मैं आपको एक बात बता दूँ, ये वैसे मैं आपकी असिस्टेंट नहीं हूँ, मिस्टर एमरे की असिस्टेंट हूँ, तो मैं उन्हीं का काम करूँगी, समझी आप? हाँ, तुम तो एमरे की असिस्टेंट हो, मैं तो भूल ही गई थी, इतनी सारी डिटेल्स अपने दिमाग में नहीं रख सकती। ओके, तुम्हारी बहन सानिम मुझे हेल्प कर दोगी, जाओ उसे भेज दो, जाओ जल्दी जाओ प्लीज। ओयहान, हाँ? अच्छा हुआ तुम यहाँ मिल गई, कहाँ थी तुम? वो मैं जेजे के लिए सीरम लाने आई थी। सीरम क्यों? क्यों? वो लॉन्ग स्टोरी है, बाद में बताऊंगी। वैसे सनम, तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? ओयहान, बैड थिंग्स आर हैपनिंग, आओ बताती हूँ। सच में वॉर शुरू हो गया है और वो तो खेल खेल रहा है मुझसे, क्लोज होने की कोशिश करता है, फिर स्लोली स्लोली पास आता है और फिर दूर चले जाता है, और मैं भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती, मुझे उनके करीब जाना है पर मैं नहीं जा पाती। सनम, क्या तुम मिस्टर जान की बात कर रही हो? नहीं, उसकी बात कर रही हूँ, और किसकी बात करूँगी? ऑफ कोर्स मिस्टर जान की बात करूँगी ना। हाँ रुको, मुझे सोचने दो, तुम एक काम करो, जाओ उनके साथ रहो। हाँ, और जैसे ही वो तुमसे करीब आने की कोशिश करें तो ये दिखाओ कि यू डोंट केयर, इससे धीरे धीरे उनकी चाहत तुम्हारे लिए बढ़ती जाएगी और एक दिन आके वो तुम्हें कन्विंस करेंगे। हाँ हाँ, अच्छा हुआ तुम मिल गई, थैंक्स अ लॉट। अब थैंक्स भी मत बोलो, एक काम करते हैं, शाम में मिलते हैं, वैसे भी अगर कुछ भी हो तुम मुझसे आराम से शेयर कर सकती हो, मैं तुम्हारे रोने में सुख दुख में हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। एग्जैक्टली ऐसे ही करूंगी, थैंक यू अयहान। वो सिरम मुझे दो, मैं जेजे को दे दूंगी। अरे रुको सनम, मैं हूँ ना, दे दूंगी। नहीं नहीं, मिस डेरन बहुत गुस्सा है, और अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वो तुम पर फिर चिल्लाएगी, और बाद में तुम्हें तो पता है। हाँ अच्छा, टेक केयर सनम, फिर मिलेंगे। चलो मुझे जल्दी ले चलो मिस्टर यान के रूम में, या मिस डेरन के पास ले चलो, बड़ा मजा आ रहा है मुझे ऑफिस का टूर करते हुए, चाय पीने का बड़ा मन कर रहा है, साथ में कुछ खाने को मिल जाए तो और मजा आ जाएगा। जेजे जेजे, ये क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ सनम, इतना ठीक मैं जिंदगी में कभी नहीं था, एकदम पीसफुल, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं मक्खी बन चुका हूँ। पता है मक्खियाँ उड़ सकती हैं? ठंडी में मेरे गांव में बर्फ पड़ती है, तब गर्मी और बारिश वहाँ नहीं आती, पर तब भी वहाँ मक्खियाँ आती हैं, जानती हो तुम, और तो और मक्खियाँ कहीं पर भी बैठ सकती हैं, जहाँ चाहे वहाँ घूम सकती हैं। मुझे डर लग रहा है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? अरे तुम डरो मत सनम, बिल्कुल मत डरो, इस सीरम ने मुझे एनर्जी दी है, इतनी एनर्जी मुझे दी है कि मन कर रहा है कि मैं और सीरम लूं, मैं चाहता हूँ ये मेरी रग रग में 2400 घंटे दौड़े, मुझे और सीरम चाहिए, और सीरम चाहिए सनम, अगर तुम्हारे पास और सीरम है तो मुझे वो भी चाहिए, मुझे सीरम चाहिए, प्लीज प्लीज, सीरम है तुम्हारे पास मुझे दे दो ना, मुझे सीरम चाहिए दे दो ना, मुझे मुझे बहुत जरूरत है, अरे कोई देता क्यों नहीं है? सीरम मिल गया,
ये सिर मुझे बहुत पसंद है, मैं अभी इसे लगाता हूँ और बाद में तुमसे मिलने आता हूँ, ठीक है ना? So sad. सनीम कहाँ थी तुम? केरिम तुमने कब से ढूंढ रहा है? केरिम उससे मुझसे क्या काम है? शूटिंग की लोकेशन तुम्हें उसके साथ जाकर ढूंढनी है। मिस्टर जान के साथ जाने वाली थी ना मैं। मिस्टर जान ने केरिम से कहा है कि सनीम को लेकर लोकेशन घुमाना। ऐसा कहा उन्होंने? ऑलराइट देन। लैला, कल की शूटिंग का बजट तैयार है? मिस्टर एमरे, मैं उसी पर काम कर रही हूँ। ठीक है, देखो ये कुछ फाइनेंस रिपोर्ट्स भी कंप्लीट करनी है, अगर कल तक ये रेडी नहीं कर पाए तो हमें मीटिंग मजबूरन पोस्टपोन करनी होगी। यस मिस्टर एमरे। लैला, तुम ठीक हो ना? थोड़ी खोई खोई सी लग रही हो मुझे। कुछ नहीं मिस्टर एमरे, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पर मैं सुनना चाहूंगा, तुम प्लीज बताओ क्या बात है। मुझे मिस आइलैन का फोन आया था। अच्छा, तो क्या कहा उसने तुमसे? उन्होंने मुझसे कुछ फाइल्स अरेंज करवाने को कही थी। मैंने उनसे कहा कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं आपके असिस्टेंट नहीं हूँ। मैंने कोई गलती तो नहीं की मिस्टर एमरे? अगर आप चाहते तो मैं मिस आइलैन की मदद करूँ तो मैं करूँगी ना। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। और एक और बात कहना चाहता हूँ, आई कैन नॉट शेयर यू विद एनीवन। थैंक यू सो मच। और हाँ, ये रिपोर्ट्स मैं आपके टेबल पर रख देती हूँ, ठीक है? ओके, थैंक यू, बाद में मिलता हूँ। माय प्लेजर। मुझे केरिम के साथ आप क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है और ना ही एक्स्ट्रा बजट, तो क्या करें? तुम करिम के साथ शूटिंग लोकेशन जाओ, करिम तुम्हें ले जाएगा, वो परफेक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट में तो ऐसा लिखा है कि लोकेशन मैं आपके साथ देखूंगी, इसलिए या तो मैं आपके साथ जाऊंगी या फिर नहीं। सही कहा तुमने, लेट्स फॉलो द रूल्स, साथ चलते हैं। Let's go. लीला, बाहर जा रही हो? हाँ बोलो गुलीज। तुमसे कुछ पूछूं? हाँ पूछो। आइलैन यहाँ कब तक रहने वाली है? पता नहीं, ऐसे बैठी है जैसे अपनी पूरी जिंदगी यहीं बिताने वाली है। मैंने तो सुना है 3 महीने तक रहने वाली है। क्या, 3 महीने? माई गॉड, अब मैं उसके टॉर्चर को कैसे सहूंगी? उसे यहीं रहना जरूरी है? इतना बात को बढ़ाओ मत, वो इतनी भी बुरी नहीं है। वो काफी बात करती है, बहुत अच्छे जोक्स मारती है। मैं सही कह रही हूँ ना? अगर तुम्हें लगता है कि वो ह्यूमरस है तो मानना पड़ेगा उसकी एक्टिंग स्किल्स अच्छी हैं। 100%। मुझे पता था यही होगा। बाय द वे, उस्मान और मेरी जोड़ी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? गुलीस, देखो मैं तुम्हें जो बताऊंगी उस बात का बुरा मत मानना, ठीक है? यार गुलीस, तुम बहुत फ्लर्ट करती हो, वो भी खुले आम करती हो, और सच कहूँ तो उस्मान तुम्हारे टाइप का नहीं है सच में। क्यों? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है लेला? क्योंकि उस्मान बहुत अच्छा इंसान है, सॉफ्ट हार्टेड और प्योर है। हाँ, और हैंडसम, बहुत स्वीट, टॉल, अट्रैक्टिव, और उसकी स्माइल भी कितनी अच्छी है ना। हाँ, इसीलिए कह रही हूँ इज नॉट योर टाइप। तुम दोनों साथ नहीं हो सकते हो, तुम्हें किसी का दिल ही तोड़ना है तो दूसरे का तोड़ो। उस्मान को छोड़ दो, प्लीज मेरी बात मानो, प्लीज ऐसा मत करो। लेला, मैं कौन सा उससे शादी कर रही हूँ, मैं बस पिक्चर देखने जा रही हूँ। अच्छा, और क्या उसे पता है इस बारे में? नहीं, वो नहीं जानता कि हम जा रहे हैं, बट आई विल ऑर्गेनाइज। तुम्हें पता है मेरी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स कितने अच्छे हैं। क्या तुम मेरी बात को ध्यान से सुन रही थी? एक कान से सुनती हो और एक कान से निकाल देती हो तुम। लैला, मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ पर मैं उसे फॉलो नहीं करूँगी। ओ कम ऑन गुलिस, तुम भी ना सच में। बट मैं तुम्हें वार्न करती हूँ, अगर तुमने उसका दिल तोड़ा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, समझी तुम? चलो अब। हाँ ठीक है। गुड मॉर्निंग मिस डेरन। गुड मॉर्निंग डेरन। गुड मॉर्निंग मिस्टर जान, आप हमेशा की तरह बहुत हैंडसम लग रहे हो। जान, एक्चुअली हमारा पूरा वीक बिजी होने वाला है तो हमें क्रिएटिव टीम के साथ एक मीटिंग फिक्स करनी होगी। ओके ठीक है, सबको मीटिंग रूम में बुलाओ। ओके।
मिस्टर जान, मैं आपकी चाय लाती हूँ। ओके। सनम, ऐसे नो की कंपटीशन के दो प्राइजेस थे। पहला कि तुम्हारी स्क्रिप्ट का वीडियो शूट होगा जो कि आज होने वाला है। तुम्हें वहाँ रह के सब चेक करना होगा, सब अप्रूव करना होगा, सो तुम्हारा दिन आज बहुत बिजी रहने वाला है। और सेकंड प्राइज, तुम यहाँ एज अ स्क्रिप्ट राइटिंग इंटर्न काम कर सकती हो। मिस जेनन, मैं रुकी थी स्क्रिप्ट राइटर ये वर्ड सुनने के लिए। आई कांट बिलीव इट, अब मैं सिर्फ चाय नहीं बल्कि स्क्रिप्ट भी बनाऊंगी। हाँ, मैं भी खुश हूँ, पर ऐसे चिपको मत मुझसे सनम, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठीक है, याद रखूंगी। ओके, और एक इंटर्न भी पियोन से कम नहीं होता। तुम्हें चाय कॉफी सर्व करना, फोटोकॉपी लानी होगी, ये सब करने के बाद स्क्रिप्ट्स भी लिखने होंगे। ये जर्नी आसान नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं। सही कहा। ठीक है फिर, ये लो। थैंक यू। तुम अब यहाँ पर एक इंटर्न हो, गुड लक। थैंक यू। यू शुड बी। गाइस, हम अब बिल्कुल रेडी हैं। प्लीज याद रखना, हमें मिनिमम बजट में अच्छा प्लान देना है, ठीक है? देखने में तो इतनी बड़ी कंपनी है पर अंदर से कंगाल है। जो बजट हमें मिला था सोशल मीडिया एक्सपेंसेस के लिए वो खत्म हो गया है। वैसे भी वो ज्यादा बजट नहीं था, तो अगर हमें क्लाइंट के साथ रिलेशन बनाने हैं तो हम ये एज अ फेवर कर रहे हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है मिस्टर वॉल्कन? नहीं नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, मैं थोड़ी ना एक्सपर्ट हूँ, मुझे क्या पता। सही कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। अंदर आओ सनम, हमारी स्क्रिप्ट राइटर, लेट्स स्टार्ट द मीटिंग प्लीज। जब All मैंने स्टार्ट किया था तब मैं भी ऐसे ही एक्साइटेड होती थी, पर हमें कंट्रोल लाना पड़ता है और कंसंट्रेशन के साथ काम खत्म करना पड़ता है। ठीक है, तो गाइस शूटिंग की जगह फाइनल है सनम के मोहल्ले में और एक्स्ट्रास भी फाइनल हो चुके हैं। सनम, तुम एक बार डेरन के साथ बैठकर स्क्रिप्ट चेक कर लो और फिर शूटिंग के फ्लो को देख लो। ठीक है, ये रही कास्ट लिस्ट, तुम देख लो एक बार। 80s से शुरू करें, क्या कहती हो सनम? हाँ, ये चार लड़कियां हैं जो अपना मोहल्ला छोड़कर अपने सपने पूरे करने के लिए कार में बैठकर निकलती है, फिर वो लौट कर आती है और अपनी बेटियों को इंस्पायर करती है अपने सपने पूरे करने के लिए। इस बार मोहल्ला सेम होगा पर वो कार अलग होगी और वो औरतें भी। सनम, हमारे पास एक्स्ट्रा बजट नहीं है पर ये फिल्म वैसी ही बननी चाहिए जैसा तुमने सोचा है, तो हमें तुम्हारा ड्रीम बताओ एंड वी विल ट्राई टू डू आवर बेस्ट इन व्हाट वी कैन। ठीक है, ठीक है। सनम, ये तुम्हारे मोहल्ले का ब्लूप्रिंट है। वाव, मोहल्ले को ऐसे देखकर बहुत अच्छा लगा। तुम्हें ये पसंद आया? यहाँ हमारी शॉप है। ठीक है फिर, तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि कौन से सीन्स कहाँ शूट होंगे, फिर उसके बाद हम बाकी की तैयारियाँ कर लेंगे। हमारे घर के पास का रोड बहुत अच्छा है। ओके गाइस, तो हमें पता है कि हमें क्या करना है, तो चलो काम पर लगते हैं। डेरन, तुम प्लीज एक बार आइलैंड से कंसल्ट कर लो, यू नो थोड़ा अर्जेंट है तो प्लीज। हाँ, कंसल्ट कर लूंगी, और क्या कर सकती हूँ महारानी कहीं की। ओके, तो ठीक है। तंग आ गई हूँ मैं आइलैंड से, मेरा काम ही क्या है बस उससे अप्रूव करवाने का, और कुछ नहीं। आप चाहे तो इसे ले लीजिए। तुम अब यहाँ पर एक इंटर्न हो, गुड लक। सनम, आधे घंटे में मुझे रिपोर्ट बनाकर दो, ठीक है? आधे घंटे में? हाँ, आधे घंटे में। गुड मॉर्निंग सनम, मेरे लिए कॉफी लाओ जल्दी। ठीक है, और एक पेन किलर भी लेकर आना, मेरा सर दर्द हो रहा है। और मेरी स्ट्रेस बॉल भी ढूंढ कर लेकर आओ। एक नहीं, मुझे दो स्ट्रेस बॉल चाहिए, इस औरत को देखकर मेरा बीपी बढ़ जाता है। जल्दी करो, जल्दी जाकर लेकर आओ। श्योर मिस्टर एन। तुम इतना हंस क्यों रही हो बताओ जरा? कुछ नहीं, क्यों, क्या हुआ? कल तुम मिस्टर जॉन के साथ? हाँ, पर हमें थोड़ा काम था बस इसीलिए। काम था? इतनी रात को क्या काम था तुम्हें?
आप नहीं समझेंगी मुझे किन चीजों से गुजरना पड़ता है। मिस्टर इनका स्ट्रेस बॉल, फिर ये फोटोकॉपीज, उसके बाद ये कार्ट्रिजेस, इंक कहाँ गई? क्योंकि मिस्टर जान को अभी के अभी साइन करना है। मैं इस ऑफिस के कितने सारे काम करती हूँ, मेरे बगैर ये ऑफिस चल ही नहीं सकता। सबको बस मुझे ऑर्डर देना होता है। अरे ये कार्ड नीचे गिरा हुआ है, किसी का ध्यान भी नहीं है यहाँ पर। मैं इसे उठाकर रख देता हूँ। अब ये कार्ड गिरा हुआ था फ्लोर पर, ओके देख लेना। अरे देखो तो, अरे ये क्या आम चेयर पर क्रैक है? अब कोई ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा या मुझे ही करना पड़ेगा? मुझे ही यहाँ सब काम करना पड़ेगा क्या? जे जे, हाँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस थोड़ी सी रेस्ट ले रहा था। हर रोज मैं 20 मिनट ऐसे प्रिटेंड करता हूँ कि दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट काम मेरे ही पास है, फिर जाकर मैं कॉफी पीता हूँ और थोड़ा सा नाश्ता कर लेता हूँ। तुम क्या कर रही हो? मिस डेरन को कॉफी देनी है, वो आइलिन को देखकर पागल हो रही है। सनेम, अब मिस आइलिन को देखकर मैं बिल्कुल भी नहीं चिढ़ता। सच में? हाँ, अब मैं रिकवर हो गया हूँ, मैंने सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। अब मैं एक काम इंसान हूँ और मुझे पैनिक अटैक्स बिल्कुल भी नहीं आते। तो मैं तुम्हें कुछ बताऊँ? नहीं मत बताओ। नहीं नहीं नहीं, मत बताओ मत बताओ। अच्छा ठीक है बताओ। नहीं, उस बारे में कुछ नहीं। हाँ क्या हुआ? अब मैं इंटर्न स्क्रिप्ट राइटर हूँ। इंटर्न स्क्रिप्ट राइटर? और तुम? मुझे क्यों नहीं लिया उन्होंने मुझसे पहले? भला तुम्हें कैसे अपॉइंट कर दिया? मैं यहाँ सालों से प्यून की नौकरी कर रहा हूँ और जॉब देने की बारी आई तो वो तुम्हें दे दी। तुम क्यों इंटर्न बनोगी? इंटर्न तो अब मैं बनूंगा। मैं अभी जाकर मैं मैनेजर से बात करता हूँ। हाँ, अब मैं किसी की नहीं सुनने वाला, आज किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। तुम्हारा मैनेजर तुम्हारे सामने हाजिर है, तुम जरा एक मिनट रुकना। तो बताओ क्या कहना था? जे जे, मिस्टर जान, नहीं वैसे कुछ खास कहना नहीं था, बस आपके लिए एक कॉफी चाय नाश्ता लेने की सोच रहा था और कुछ नहीं। मैं जाता हूँ अब, ओके? अरे सब हटो यहाँ से। हेलो मिस्टर जान। हाय सनम, क्या तुम मेरे लिए चाय लाओगी? हाँ जरूर। प्रोजेक्ट के लिए बजट नहीं है, इसलिए सारी चीजें हमें खुद ही करनी होगी। हम नया कैंपेन बना रहे हैं, अगले हफ्ते हम लॉन्च करने वाले। उसकी जरूरत नहीं। हैव अ गुड डे। कहाँ जा रही हो तुम? हाँ वो मैं चाय लेकर आई हूँ, ऐसे ही घूमते घूमते। तुम अब कंपनी की लीगल स्क्रिप्ट राइटर हो, कंग्रेचुलेशंस। हाँ, मैं आज बहुत खुश हूँ, इतनी खुश कि मैंने आज मिस डेरन को एम्ब्रेस कर दिया। सच कहूँ तो? अच्छा, अगर तुमने डेरन को एम्ब्रेस किया है तो मुझे भी एम्ब्रेस करना बनता है ना? क्या? नहीं, मैं नहीं कर सकती। ओके, थैंक यू सो मच, मुझे मौका देने के लिए थैंक यू सो मच। तुमने खुद हासिल किया, तुमने ये साबित कर दिया कि तुम टैलेंटेड हो। भाई, भले ही मैं स्क्रिप्ट राइटर बन गई हूँ पर मैं हेल्पर तो हमेशा रहूंगी। जब भी चाय चाहिए होगी आप मुझे बुला देना, जस्ट कॉल मी। ओके ओके, मिलती हूँ। बाय। क्या तुम सुनोगे? हाँ बोलो, क्या हुआ?